नमस्कार, मैं हूं कौशलेंद्र झा और आप देख रहे हैं केकेएन लाइव। एक समय था जब गांव में सामाजिक या सांस्कृतिक समारोह होता था तो हम सभी उसका इंतजार करते थे, और आज जस्ट उल्टा हो गया है। आज हम ये इंतजार करते हैं कि ये समारोह कब खत्म हो रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ध्वनि प्रदूषण का। आज एक बहुत ही खतरनाक स्थिति में ये चीज आ गया है। यदि आप ध्वनि प्रदूषण को नजरअंदाज कर रहे हैं तो सावधान हो जाइए। इससे न केवल आप बहरे हो सकते हैं बल्कि आपका याददाश्त एवं आपकी एकाग्रता में भी कमी आ सकती है, चिड़चिड़ापन बढ़ सकता है, डिप्रेशन हो सकता है और भी कई तरह की बीमारियां हो सकती है, जैसे आप नपुंसक हो सकते हैं, यहाँ तक कि कैंसर जैसे जानलेवा बीमारी की चपेट में भी आप आ सकते हैं। सरकार इसके लिए कानून बनाया है। एक नियम है कि रात के 10 बजे से लेकर के और सुबह के 7 बजे तक 75 डेसिबल से अधिक की शोर को सरकार ने गैर कानूनी घोषित कर दिया है। इस नियम का उल्लंघन करने वालों के लिए दंड संहिता की धारा में प्रावधान भी किया गया है। दंड संहिता की धारा 290 और 291 के तहत और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत इसमें 1,00,000 रुपए तक का जुर्माना का प्रावधान भी किया गया है। 5 साल तक की जेल का भी प्रावधान किया गया है, या दोनों ही सजा देने का प्रावधान किया गया है। लेकिन हो क्या रहा है? हो तो यही रहा है, आज समाज में तेज ध्वनि विस्तारक यंत्र का धड़ल्ले से दुरुपयोग हो रहा है। आज हम सभी उसकी चपेट में आ जाते हैं। रात के 10 बजे के बाद भी लाउड स्पीकर का बजना, डीजे का बजना, धर्म के नाम पर लाउड स्पीकर का बजना और रात रात भर संगीत बजाना, ये सारा चीज चलता रहता है। इसको कौन रोकेगा? वर्ल्ड हियरिंग इंडेक्स के मुताबिक आज भारत, खास करके भारत की राजधानी दिल्ली, सबसे अधिक शोर वाला शहर बनता चला गया। हम इसको इस पर ध्यान नहीं दिए। आज गांव की स्थिति भी दिल्ली के जैसा होता चला गया है। नतीजा यहाँ बीमार होने वालों की संख्या निरंतर बढ़ती चली जा रही है। ध्वनि प्रदूषण को लेकर के अस्पतालों से जो रिपोर्ट आ रही है उसमें 15% मरीज सिर्फ इसलिए बढ़ गए हैं क्योंकि वह ध्वनि प्रदूषण के शिकार हो गए हैं। ध्वनि प्रदूषण से 35 से 40 वर्ष आयु के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इनको सुनने में परेशानी होता है। जानकार बताते हैं कि 45 डेसिबल की ध्वनि के बीच रोजाना 2 घंटा रहे उसको बहरा होने का खतरा 3 गुना बढ़ जाता है, जबकि 100 डेसिबल के अधिक ध्वनि के बीच रोजाना 2 घंटा रहना भी बेहद खतरनाक होता है। जानकारी के अभाव में कई लोग लाउड स्पीकर और डीजे आदि का बेवजह इस्तेमाल करते हैं, विशेषकर धार्मिक आयोजनों के नाम पर। जानकार बताते हैं कि मनुष्य की श्रवण क्षमता 80 डेसिबल की होती है। इससे ज्यादा की आवाज मनुष्य बर्दाश्त नहीं कर सकता है। वायुमंडल में 0 से 25 डेसिबल की आवाज पर शांति का वातावरण आता है। आवाज की तीव्रता 80 डेसिबल से अधिक होने पर मनुष्य बीमार होने लगता है और उसे तकलीफ महसूस होने लगता है। वही आवाज की तीव्रता जब 130 से 140 डिसेबल हो जाए तो व्यक्ति बेचैन होने लगता है। सोचिए, ऐसे में डीजे से निकलने वाली 180 से 215 डिसेबल का शरीर पर क्या असर पड़ता होगा? सोचिए, लगातार इस तीव्रता की आवाज के बीच रहने वाला व्यक्ति भारा हो सकता है, बीमार हो सकता है, तरह तरह की घातक रोग के चपेट में आ सकता है। आवाज की तीव्रता हमें कई तरीके से प्रभावित करती है। अधिक शोर हो जाने के कारण सिर दर्द होना, थकान हो जाना, अनिद्रा का हो जाना, श्रवण क्षमता में कमी आ जाना, कमजोरी होना, चिड़चिड़ा पर होना, उत्तेजना होना, क्रोध का होना, ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना, ये सब तो आम बात हो गई। जो सबसे गंभीर चीज हो रहा है, जिस पर लोग नजरअंदाज कर रहे हैं, जो इसको गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, वो ये है कि ध्वनि प्रदूषण के कारण आप मेटाबोलिक डिसऑर्डर के शिकार हो रहे हैं। ये मेटाबोलिक डिसऑर्डर एक ऐसा चीज है जिसे शरीर में एंड्रिल हार्मोन का स्राव बढ़ जाता है। इसका दुष्परिणाम आपके धमनियों में कोलेस्ट्रॉल का जमाव होने लगता है, जो बेहद खतरनाक है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ध्वनि की तीव्रता का जननांगों पर भी प्रतिकूल असर पड़ता है, नपुंसकता होने का खतरा रहता है। इतना गंभीर विषय है। हाल के दिनों में जो डीजे का उपयोग बढ़ा है, इससे हृदय रोगियों को बेहद बेहद खतरा पैदा हो गया है। कई बार डीजे के कारण हार्ट अटैक होने की बातें सामने आ रही। सवाल यह है कि इन तमाम चीजों के बावजूद हम चुप क्यों हैं? हम क्यों आवाज बुलंद नहीं करते हैं? हर बात पर पुलिस प्रशासन कानून की दुहाई देकर आखिर हम कब तक बचते रहेंगे? हम इस पर आवाज क्यों नहीं बुलंद कर सकते हैं? तो समय आ गया है कि हम सबको मिल करके इसका विरोध करना होगा। सरकार और शासन के बूते ही काम नहीं चलेगा। हम सबको मिलकर विरोध करना होगा और गांव की पुरानी शांति को फिर से गांव में बहाल करना होगा। हम फिर मिलेंगे किसी नई समस्या के साथ, किसी नए मुद्दों को लेकर के फिर मिलेंगे हम आपसे। तब तक के लिए धन्यवाद।